श्रीनगर की तरफ निकलते ही टैंक मैंने करवा लिया फुल, इससे कि मैं घर पहुंच जाऊँ एक बार में ही, बीच में ना रोकनी पड़े मुझे। ओके। और भाई मौसम अब ठंडा हुआ थोड़ा जाके, बाकी गर्मी तो लगी रही है। टी शर्ट ली नहीं अभी, टी शर्ट ले लूँगा अभी, चलता हूँ। ठीक है, आगे मिलता हूँ, कहीं स्टॉप लूँगा तो। अमित भाई, चीकू भाई, याद आ रहा कुछ यहाँ की जगह कहाँ थे हम, क्यों थे? अगर अमित भाई, चीकू भाई कोई देखते हो ब्लॉग मेरे भाई, कुछ याद है अगर क्यों बंद थे, क्यों रुके हुए थे, ऐसा कुछ याद है? अभी भाई 200 किलोमीटर और रह गया यहाँ से जम्मू, और बहुत खींचम खींच जा रहा हूँ, इसलिए बस ये है कि यार थोड़ा ना सिंगल रोड का रखा जगह जगह सिंग, और जगह जगह इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि भाई वो कानवाई चल रही है, कानवाई बहुत आ रही है। जैसे कि फिर रोक दिया यार हमें, ये देखो रोक देते हैं ऐसे, उधर की लाइन भी रोक दी है, ये देखो इधर भी रोक दिया और हमारी लाइन भी रोक दी, और ये भाई साहब ये खड़े हैं, ये रोक रहे हैं, आगे से कानवाई आएगी भाई। ये सिंगल वेव की वजह से रोक दिया, अब रात को खोलने के लिए कह रहे हैं, और अभी टाइम एक्चुअली टाइम 5 बज गए, अब रात को खोलने के लिए कह रहे हैं 8-9 बजे, मतलब 9 बजे के बाद ही। और ये देखो नीचे ही नहीं, ऊपर भी है, ऊपर भी ऐसी कर रखा है। अब यार कैसे ये ऐसे क्यों करते हैं, एक रास्ते इतना तो छोटा, कहीं रास्ता भी नहीं है यार। बाकी कोई नहीं यार, चलो वेट करते हैं, जब भी खोल देंगे। अभी तो पीछे भी रोका था, वहाँ तो वहाँ से तो निकल ही आया मैं, सिफारिश लगा के कुछ, तो फाइनली मैं निकल, मतलब जहाँ रोका हुआ था मैं सबको चेक पोस्ट पर निकल चुका हूँ। वो प्राइवेट गाड़ी निकाल रहे हैं बस, और बड़ी रिक्वेस्ट करने के बाद निकाली है मेरी गाड़ी, क्योंकि मेरी गाड़ी थी यूपी की, तो कह रहे हैं कि बाहर स्टेट की निकालनी अलाउड नहीं है, और प्राइवेट भी अलाउड नहीं है बाहर की तो, और जो टैक्सी है वगैरह, जो ट्रक वगैरह है वो तो निकालने ही नहीं दे रहे, वो तो कह रहे हैं बाद में जब सुबह ही निकालेंगे इन्हें, तो मुझे भी नहीं निकालने दे रहे थे। बड़ी रिक्वेस्ट करी, कोशिश करी, जब जाके निकाल लेती, फाइनली निकल गया। चलो अब रामदेव नगर पहुँच जाऊँगा, 4 बजे से खड़ा था मैं, 9:30 बजे। चलो फिर आगे मिलता हूँ, कहीं अगर स्टॉप लिया तो ठीक है। खाना वाना, खाना भी तो है, भूख लग रही है, खाना भी नहीं खाना, बाकी चिप्स वगैरह कुरकुरे वगैरह ये सब तो रखी है। चल रहा है आगे कंस्ट्रक्शन का काम, फाड़ वाड़ काट रहे हैं, और अभी यहाँ खड़े हैं। अभी ये दो गाड़ी और मिल गई, मतलब 7 इंच ट्रैक्टर मेरा, एक थार एक फॉर्चुनर, ये भी मिल गई, ये भी वहीं पे खड़ी थी जहाँ मैं खड़ा था सुबह दोपहर से, और मतलब पंजाब की है ये भी, और वो दो गाड़ी जो थी वो भी पंजाब की है, मतलब 7 मिले जा रहा है। भोले बाबा अपने साथ हैं। बाकी अपनी गाड़ी में कुछ लाइटिंग ऐसे हैं, दिख रही अच्छी लग रही है ना, मुझे भी लग रही है, पर ये वाली लाइट ख़राब हो गई थोड़ी सी, एक साइड से ज़्यादा जल रही है, एक साइड से कम, चेंज करवानी है, काफ़ी चीज़ चेंज होनी है अभी गाड़ी में। गुड मॉर्निंग फ्रॉम पंजाब,
तो अभी ना मैंने एक पावर नैप ले लिया था 1 घंटे का, और अभी आगे थोड़ा सा आगे चला हूँ, और अभी दिल्ली रह गया 430 किलोमीटर, यहाँ से 430 किलोमीटर रह गया, और मतलब 3-4 बजे तक दिखा रहा कि 3-4 बजे तक पहुँच जाऊँगा मैं। बाकी भाई खींच तो पूरी राउंड जितनी खींची जा सकती है मैं से। बाकी वही वाला हाल हो रहा है जैसे गोवा से आने वाला हुआ था कि अब ले जाओ कोई, तो सब दिन हो गए वैसे ही इसमें हो गए कि अब ले जाओ कोई मुझे यहाँ से। बाकी कोई नहीं, 430 किलोमीटर बच रहा है, अभी पहुँच जाएंगे 430 को, इंटरव्यू के कर देते 430 किलोमीटर तो पूरे। बाकी चलते चलो फिर आगे, कल पूरे दिन खाना नहीं खाया था, और आज देखते हैं लंच होता है नहीं होता, आज भी देखते हैं, कल तो नहीं खाया ना रात में ना दोपहर में। अभी हम नहीं, मैं तो अभी मैं हूँ आपका दिल्ली से 250 किलोमीटर दूर, कुछ खाने के लिए रुका था, और क्योंकि कल पूरे दिन खाना नहीं खाया, आज सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करा, तो अभी मैकडी में रुका था। मैकडी में भी काम चल रहा है, वैसे दिख नहीं रहा होगा, ये रहा मैकडी। तो अभी एक कोल्ड कॉफ़ी ली है और एक अपना आलू टिक्की बर्गर, अभी इसे खाता हूँ क्योंकि ना सुबह खाना खाया और आपका ना मैंने कल पूरे दिन खाना खाया ना रात में खाया, तो अभी पहले से खा लेता हूँ, उसके बाद आगे चलते 250 किलोमीटर रह गया। बाकी आपसे थोड़ी सी कुछ बात भी करनी है, वो रास्ते में चलते चलते करेंगे, पहले कुछ पहले खा लेता हूँ मैं, उसके बाद करता हूँ मैं आपसे बात। भाइयों आज फार्मर प्रोटेस्ट की कोई रैली वगैरह निकल रही है, ये देखो कितनी भीड़ है, आधे पौने घंटे से मैं इस जाम में पीछे से चलता हुआ आ रहा हूँ, और अब भी आगे आगे तो और भी ज़्यादा लोग हैं, मतलब बहुत गाड़ियाँ, झंडे लग रहे हैं, एक ये जो मेरे आगे गाड़ी जा रही है इस पर भी एक झंडा लग रहा है ऐसे, कहीं फार्मर प्रोटेस्ट कहीं जा रहे हैं, हरियाणा की, दिल्ली की, पंजाब की, कितनी गाड़ियाँ है, काफ़ी लोग हैं, और पूरा ट्रैफिक जाम है यार, और उस वाली रोड पर तो कुछ ज़्यादा ही है। देखो अभी आगे आगे दिखाता हूँ, और भी बहुत बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है, मेरा आधा पौना घंटा वेस्ट हो गया इसमें। पीछे देख लो भाई साहब, इतना ट्रैफिक, काफ़ी लोग आए हुए हैं, बहुत काफ़ी से भी काफ़ी ज़्यादा ही है लोग भाई फार्मर प्रोटेस्ट में। बाकी भाई हमें तो निकलना जल्दी से फटाफट, टाइम हो रहा है, कुछ 2 बजे का टारगेट सोच रखा है, 1 बज चुका, मुझे नहीं लगता मैं 1 घंटे में अब घर पहुँचूँगा, इस ट्रैफिक की वजह से मैं 2 बजे सोच के चल रहा था कि 2 बजे पहुँचूंगा, इस ट्रैफिक की वजह से मेरा लेट हो गया। बाकी भाई आपको एक चीज़ बताओ यार, लद्दाख एपिसोड अच्छे लगे या नहीं लगे कमेंट करके बताओ यार ज़रूर आपको, और इससे भी अच्छी जगह जगह लेके जाता हूँ मैं, मतलब इस महीने के एंड में ही चलेंगे, अब पता नहीं ये वाला ब्लॉग कब आएगा कब नहीं आएगा, क्या पता ये वाला ब्लॉग आए उससे पहले ही चला जाऊँ मैं, ये बाद में आए ऐसा भी हो सकता है। बाकी भाई अभी ईस्ट साइड जाने की सोच रहा हूँ, ईस्ट कंप्लीट करता हूँ पहले। बाकी आप व्लॉग बताओ क्या ऐसे वाले व्लॉग चाहिए कि अच्छे लग रहे हैं, ये वाली सीरीज़ मतलब लद्दाख सीरीज़ अच्छी लगी तो इससे भी अच्छे अच्छे व्लॉग निकालता हूँ फिर मैं, आप कमेंट करके बताओ, और अगर अच्छे लग रहे हैं तो शेयर भी करो अपने यार दोस्तों में, घर में, फैमिली में, सब जगह दिखाओ। और शेयर करो यार जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, सपोर्ट मी। बाकी
बाकी और आपको अच्छी अच्छी जगह लेके जाता हूँ मैं। अभी ईस्ट कंप्लीट करूँगा, ईस्ट शुरू करता हूँ मैं अगले महीने से, मतलब पता नहीं वाला व्लॉग पहले ही आ जाएगा क्या। जून जुलाई से स्टार्ट करूँगा मैं ईस्ट का। बाकी चलो फिर अभी चलते हैं, पहले घर पहुँच जाता हूँ मैं आराम से। यहाँ तक सेफली आ गया भाई, आगे भी सेफली जाए जर्नी, भोले बाबा मेरे साथ दें और आप भी सपोर्ट दो थोड़ा सा। चलो फिर आपको घर पहुँच के मिलता हूँ मैं, ठीक है ना। व्लॉगिंग बाद में करूँगा क्योंकि भाई नींद भी आ रही है तगड़ी वाली, व्लॉग बाद में बनाऊँगा, पहले घर पहुँच जाता हूँ। सोलो ट्रिप ही हो गई है ना। और बाकी भाई अगर आपको ये लद्दाख एपिसोड सीरीज, ये लद्दाख ले लद्दाख एपिसोड सीरीज पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और जितना हो सके अपने दोस्तों में दिखाओ, शेयर करो जितना भी हो सके, अपनी फैमिली में दिखाओ, मम्मी पापा को दिखाओ। और सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जितना हो सके सब्सक्राइबर कराओ यार ज़्यादा से ज़्यादा। और बाकी नेक्स्ट ट्रिप भी प्लान है, शायद ये व्लॉग लेट डले, ट्रिप पे निकल जाऊँ, ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मतलब। बाकी इस व्लॉग को करते यहीं पे एंड, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। एक बजट वीडियो भी बनाएंगे उसके पे, इस पूरी ट्रिप की। और भाई टोटल गाड़ी चली है अपनी 3148 में, 3150 चल गई, और एक बजट वीडियो बनाएंगे। तो भाई इस व्लॉग को करते यहीं पे एंड, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। इस ट्रिप का मतलब ये ट्रिप लास्ट हो गई, इस ट्रिप का लास्ट व्लॉग है, सफ़र यहीं पे एंड होता ले लद्दाख का। और आपको जल्दी ही नेक्स्ट ट्रिप पे मिलेंगे। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, जितना हो सके शेयर ज़्यादा करना। बाकी मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, टेक केयर, लव यू, जल्दी ही मिलेंगे। बस शेयर ज़्यादा कर देना, जितना हो सके उतना शेयर करो, फैला दो चैनल को। फिर नई नई और इससे भी नई नई जगह जाने वाले हैं अब, क्या ईस्ट देखेंगे अपना ईस्ट साइड। तो तब तक आप इंजॉय करो व्लॉग्स और टेक केयर, लव यू, मिलते हैं जल्दी आपको नेक्स्ट व्लॉग में। पीस।